Morning class, this is our new genetics class in which today we will study about the genetic counseling. क्या होता है genetic counseling? देखिए हमने बहुत सारे disorders पढ़े genetics के, तो वो genetic के disorder हमने पढ़े, हमें पता है, हम medical field के लोग जानते हैं इसके बारे में, पर आम लोगों को नहीं पता होता कि ये भी कोई बीमारी होती है. हम लोगों को इन्फेक्शन वगैरह के बारे में तो पता होता है, इंजरीज पता होती हैं, पर जेनेटिक्स जैसे डिसऑर्डर्स के बारे में उनको नहीं पता होता, जो कि उनके आने वाली जेनरेशन के अंदर हो सकता है. तो इन डिसऑर्डर्स के बारे में उनको बताना, उनको उसके प्रिकॉशंस बताना, उनका ट्रीटमेंट, उसमें जो भी सावधानियां रखनी है, या जैसा भी अगर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता या उसको कैसे डायग्नोस करना है, उन सब चीज़ों के बारे में समझाना ही क्या है जेनेटिक काउंसलिंग. तो आज जो है हम जो टॉपिक अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो है जेनेटिक काउंसलिंग. वेबस्टर की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग एक कंसल्टेशन है या म्यूचुअल इंटरचेंज है ओपिनियंस का, जिसको हम ओपिनियंस को एक दूसरे के बारे में बता रहे होते हैं, म्यूचुअली इंटरचेंज कर रहे होते हैं कंसल्टेशन को अपने काउंसलिंग के ज़रिए. जेनेटिक्स टर्म जेनेटिक्स बैट्सन ने 1906 में बताई थी. ग्रीक वर्ड जीन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू बिकम या टू ग्रो इन टू, विकसित होना. जॉर्जर मेंडल बता चुकी हूँ मैं. कॉन्सेप्ट जेनेटिक साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम जीन्स की स्टडी करते हैं और पर्टिकुलर डिजीज़ के पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं कि ये डिजीज़ आगे कैसे जाएगी या नहीं जाएगी, दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी, दिखाई देगी तो कौन सी जेनरेशन यानी कौन सी पीढ़ी में दिखाई देगी, वो जेनेटिक, उसी की स्टडी जेनेटिक्स कहलाती है. इनहेरिटेंस, जिसमें फैमिलियल एलिमेंट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं. जीन क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बेसिक यूनिट होती है जीन्स. जीन्स क्या हैं? बेसिक यूनिट है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की. जीन्स डिटरमाइन करते हैं इनहेरिटेड करैक्टर्स को कि कौन से करैक्टर इनहेरिट होंगे, कौन से नहीं होंगे. ये डीएनए की फंक्शनल यूनिट होती है और प्रोटीन बनाने की इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर पाए जाते हैं. क्रोमोसोम जीन्स की स्टोरेज यूनिट है, जिसमें जीन्स रहते हैं उसकी स्टोरेज यूनिट क्रोमोसोम्स होती है. सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जो कि जेनेटिक मटेरियल को डीएनए के रूप में डिलीवर करती है, उसको अपन क्रोमोसोम्स कहते हैं. डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जिसके अंदर जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं. बायोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड सभी सेलुलर लाइफ की सेलुलर फॉर्म्स, मॉलिकुलर लाइफ मॉलिक्यूल, सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ मॉलिक्यूल एनकोड्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ये वो मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एनकोड करता है और लाइफ की सभी फॉर्म्स की सभी सेलुलर डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर होते हैं. जीनोम क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को अपन जीनोम कहते हैं. जेनेटिक इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को हम जीनोम कहते हैं. ये जेनेटिक पेडिग्री बताई गई है. ये चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं? जेनेटिक काउंसलिंग में यही तो चीज़ें होती हैं कि भाई हमें पहले खुद को पता हो, फिर हम यही चीज़ें दूसरों को बताएं. तो जेनेटिक पेडिग्री क्या है? एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है डिजीज़ हिस्ट्री का, जो फैमिली में थर्ड डिग्री रिलेटिव्स तक पाई जा रही होती हैं. ऐसी डिजीज़ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी और कौन सी हमारे हमारे फर्स्ट कज़न, हमारे सेकेंड कज़न तक दिखाई दे रही होंगी, तो वो जेनेटिक पेडिग्री होती है. ये कंडीशन है जो हमारे फैमिली मेम्बर्स को अफेक्ट कर रही होती हैं. इस ग्रे से कलर से जो है वो अनअफेक्टेड दिखाई, ब्लू कलर से अफेक्टेड जनरेशन दिखाई है. तो देखिए, जब अनअफेक्टेड मेल अफेक्टेड फीमेल से शादी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर फीमेल आपको अनअफेक्टेड दिखाई देगी, मेल आपको अफेक्टेड दिखाई देगा. तो इस तरह से ये, फिर इनकी अगर मैरिज हो रही है अनअफेक्टेड फीमेल के अनअफेक्टेड मेल के साथ तो बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर अगर अनअफेक्टेड मेल की सॉरी अफेक्टेड मेल के अगर अनअफेक्टेड फीमेल के साथ में हो रही है तो एक सन एक गर्ल चाइल्ड जो है वो अफेक्टेड होंगे और एक गर्ल चाइल्ड अनअफेक्टेड रहेंगे. ये कंडीशन समझाई गई है. पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो हम लोगों ने पढ़ लिया था, भाई देखिए, ह्यूमन सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. ये 23 क्रोमोसोम्स इनहेरिट होते हैं माँ से और 23 क्रोमोसोम्स
पिता से हमें इनहेरिट होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स XX फीमेल के और XY मेल के होते हैं, जो आपको अच्छे से पता है। म्यूटेंट जीन्स का मतलब होता है कोई एक एबनॉर्मल जीन जो कि नॉर्मल फंक्शन प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं करता है। अफेक्टेड इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल है जिसके अंदर वो डिजीज़ दिखाई दे रही है या जिसमें वो डिजीज़ होएगी जो उसको उसके पेरेंट्स से मिल रही है। कैरियर इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल है जो नॉर्मल जैसा दिखाई दे रहा है पर इसके अंदर एक म्यूटेंट जीन की कॉपी या म्यूटेंट जीन की एक कॉपी होती है। जो जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको आप डायग्राम से भी देखते जाइए। जेनेटिक नॉर्मल जेनेटिक स्टडीज़ वगैरह ये सारी चीज़ डायग्राम से बताई गई हैं। जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखिए भाई, जेनेटिक्स मेडिसिन मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जो कंसर्न रखती है करैक्टर्स का अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होने के लिए, कि कैसे पेरेंट्स से करैक्टर्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं या माता पिता से बच्चों में जो गुण ट्रांसमिट हो रहे होते हैं उससे जो डील करती है साइंस के उस ब्रांच को अपन जेनेटिक्स कहते हैं। अब जेनेटिक काउंसलिंग क्या है भाई, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स जो कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर के रिस्क में हैं उनको एडवाइज्ड किया जाता है उस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए या उस डिसऑर्डर के नेचर के लिए। कॉन्सिक्वेंसेस भी वही पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ही होती हैं या उस डिसऑर्डर जो हो रहा है उसके नेचर के लिए हम उनको बता रहे होते हैं। यानी आप आम भाषा में कहें तो हम बीमारी के बारे में समझा रहे होते हैं, कौन सी बीमारियाँ जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि उनके अंदर डेवलप हो जाएंगे या उनमें ट्रांसमिट होएगी, कि भाई वो बीमारी उनमें हो सकती है उसके बारे में उनको समझाएं एंड द ऑप्शंस ओपन टू देम इन मैनेजमेंट एंड फैमिली प्लानिंग। और हम उनको ये ऑप्शंस दें कि भाई देखिए हमने आपको समझा दिया है कि आपके अंदर इतनी प्रोबेबिलिटी है कि ये पर्टिकुलर बीमारी आपके बच्चे के अंदर होएगी, तो अब आप डिसाइड करिए कि आप इसको कैसे मैनेज करेंगे या फैमिली प्लानिंग करेंगे या प्रेगनेंसी को आप प्रिवेंट करेंगे अवॉइड करेंगे, क्या है आपकी चॉइस, आप देख लीजिए। इसमें आपको किसी भी कपल को फोर्स नहीं करना है, केवल समझाना है कि भाई आपके बच्चे के अंदर ये बीमारी हो सकती है, तो अब आप डिसाइड करिए कि आप प्रेगनेंसी कैरी करेंगे कंटिन्यू करेंगे, कैरी करेंगे पहला कंसीव होना पसंद करेंगे कैरी करेंगे या कंटिन्यू करेंगे या उसको टर्मिनेट करना चाहेंगे या आप कैरी करेंगे तो किस तरह से आप मैनेज करेंगे, वो सब चीज़ें आपको उनको समझानी होती है। तो समझाने के प्रोसेस को अपन जेनेटिक काउंसलिंग कहते हैं। आम भाषा में जेनेटिक बीमारियों के बारे में कपल्स को समझाना ही जेनेटिक काउंसलिंग है, कपल्स को मतलब जो पेशेंट्स हैं या उनके रिलेटिव्स को समझाना। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को हेल्प करते हैं मेडिकल साइकोलॉजिकल फैमिलियल इम्प्लिकेशंस को समझने में, उनको अडेप्ट करने में जेनेटिक कंट्रीब्यूशंस के लिए कि क्या उस डिजीज़ में उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। दिस प्रोसेस इंटीग्रेट्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ फैमिली एंड मेडिकल हिस्ट्रीज। हम इसमें फैमिली हिस्ट्री या मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, उनको एसेस भी करते हैं कि उनमें डिजीज़ होने के कितने चांसेस हैं या रिकरेंस दोबारा होने के कितने चांसेस हैं, पहली बार होने के कितने चांसेस हैं और एक बार अगर हो चुका है तो दोबारा होने के कितने चांसेस हैं। हम इनहेरिटेंस की एजुकेशन उनको देते हैं, इसके कैसे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं ये बताते हैं, डायग्नोस्टिक बताते हैं, प्रोसेस कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे उसको रोका जा सकता है, कौन से रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं, क्या रिसर्चेज इस पर हुई है, एंड काउंसलिंग टू प्रमोट इन्फॉर्म्ड चॉइसेस एंड अडेप्टेशन टू द रिस्क और कंडीशन, के जो भी रिस्क हैं जो भी कंडीशंस हैं उनमें कैसे अडेप्टेशन हो सकता है या क्या उनकी चॉइसेस है, ये चीज़ें बताई जाती हैं। नेशनल सोसाइटी ऑफ जेनेटिक काउंसलर्स ने ये चीज़ हमको बताई थी, NSGC 2005 में ये चीज़ें बताई गई है। जेनेटिक काउंसलिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है लोगों को डॉक्टर के द्वारा उनके हेल्थ के बारे में और कैसे उनको सपोर्ट देना है, कौन सा डॉक्टर जो जेनेटिसिस्ट होता है अपने क्लाइंट को वो ये बताता है। ये जेनेटिसिस्ट वो पर्सन होता है जो कि जेनेटिक टेस्ट भी परफॉर्म करता है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है डायग्नोस्टिक का और सपोर्टिव एस्पेक्ट का। अब जेनेटिक काउंसलिंग के एम्स क्या है भाई, जेनेटिक काउंसलिंग का मेन एम है कि हम फैमिली को जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पूरी जानकारी और एकदम सही जानकारी दें, पूरी और सही जानकारी हम फैमिलीज को दें जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में।
प्लस हम प्रमोट करें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बाय इन्वॉल्विंग फैमिली मेम्बर्स, हम फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करके उन्हें बताएं, प्रमोट करें कि आप सही डिसीजन लें, ऐसी इन्फॉर्मेशन उनको दें, क्लैरिफाई करें फैमिली के ऑप्शंस के बारे में कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं ट्रीटमेंट के या प्रोग्नोसिस के, वो उनको क्लैरिफाई करें, क्लियर करें उन्हें, कोई अल्टरनेटिव है तो उसके बारे में भी एक्सप्लेन करें ताकि वो जेनेटिक डिसऑर्डर के रिस्क को रिड्यूस कर सके। जैसे अपने एंटी डी में मैंने आपको पढ़ाया कि भाई फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स अगर दिए जाते हैं प्रेगनेंसी कैरी करने से पहले तो एंटी डी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, या जेनेटिक डिसऑर्डर के होने के इंसिडेंस को कैसे कम किया जा सकता है वो बताएं, डिसऑर्डर्स का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उस इम्पैक्ट को कैसे अपन रिड्यूस कर सकते हैं वो भी उनको समझाएं। अब जेनेटिक काउंसलिंग का हमें सेशन लेना होता है, सेशन करा जाता है तो उसके क्या फंक्शंस है, इसमें हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे सबसे पहला, दूसरा कोई अगर सॉल्यूशन अवेलेबल है तो वो भी उन्हें बताइए, पर्सन को हेल्प करिए कि वो कंडीशन को समझ सकें और उसके साथ कोप अप कर सकें, और रिकरेंस रिस्क की टेस्टिंग करिए कि भाई उनमें दोबारा होने के कितने चांसेस हैं, ये सब भी आपको करना है। अब जेनेटिक काउंसलिंग के लिए क्या क्या इंडिकेशन हैं, तो पेशेंट और फैमिली में हेरिडिटरी डिजीज़ कोई चलती आ रही है तो उसके बारे में बताइए, इंडिकेट करिए कि देखिए ये आपकी हिस्ट्री चलती आ रही है हेरिडिटरी डिजीज़ की, कोई बर्थ डिफेक्ट है तो वो भी उनको बताइए कि देखिए ये बर्थ डिफेक्ट था जो जेनेटिक की वजह से रह गया, मेंटल ट्रॉडेशन के बारे में उनको समझाइए कि कैसे बच्चा जो है मेंटल ट्रॉडेड पैदा हो सकता है, एडवांस मेटरनल एज का इसके ऊपर क्या असर पड़ता है ये भी समझाइए कि भाई मेटरनल एज किसी की ज़्यादा हो चुकी है तो आप कहिए भाई आप में रिस्क ज़्यादा है, या अगर आप लेट प्रेगनेंसी कैरी करना चाहते हैं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है तो ज़्यादा लेट ना करिए, इनिशियल स्टेज में प्रेगनेंसी को कैरी करिए, या फैमिली में कोई कैंसर होने के चांसेस हैं अर्ली ऑनसेट है कैंसर का तो वो भी बताइए, मिसकैरेजेस होने के चांसेस है, अबॉर्शन हो सकता होगा, कोई प्रॉब्लम हो सकती होगी तो वो भी बताइए, माल फॉर्मेशन के कोई चांसेस है कि बच्चा सही पैदा नहीं होगा, ये चीज़ें उसके अंदर सही बनेगी नहीं तो वो भी उसको समझाइए, या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस कोई बच्चे के अंदर डेवलप हो सकती है, उसके होने की कोई टेंडेंसी है तो वो भी उन्हें आप समझाइए। अब जेनेटिक काउंसलिंग को कैसे कन्वे करना है उसकी इन्फॉर्मेशन देखिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क ऑफ अकरेंस और रिकरेंस उनको बताइए कि आप में इस बीमारी को के अकरेंस के रिकरेंस का कितना मैग्नीट्यूड है, कितने चांसेस हैं, भाई बहुत कम चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांस हैं या 50-50 हैं, वो सब बताना है, ऐसा नहीं कि आप में होएगा या आप ऐसा कुछ कह दें, या बहुत कम चांसेस जबकि चांसेस ज़्यादा थे आपने ये कह दिया, तो आपको सही इन्फॉर्मेशन देनी है, डिजीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पेशेंट पर उसकी फैमिली पर ये भी बताइए, डिजीज़ इम्पैक्ट और रिस्क को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है ये भी आपको समझाना है, एंटीसिपेटेड फ्यूचर डेवलपमेंट भी आप उनको बताइए कि फ्यूचर डेवलपमेंट को कैसे एंटीसिपेट किया जा सकता है या कैसे हो सकता है वो बताइए। अब जेनेटिक काउंसलिंग के जो प्रोसेस है उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, तो पहले तो भाई उनसे खुद से इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री में आपको अच्छे से देखना है कि उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को कोई प्रॉब्लम थी क्या, सेकंड डिग्री रिलेटिव्स को ये प्रॉब्लम थी क्या, ये सब कुछ देखना है, फिर दूसरा आपको डायग्नोस करना है उस बीमारी को, तीसरा कितना रिस्क असेसमेंट है वो देखिए कितने रिस्क हैं, रिस्क के कितने चांसेस है ये देखिए, इन्फॉर्मेशन गिविंग आप उनको कैसे इन्फॉर्मेशन देंगे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट और काउंसलिंग करनी है, भाई कई बार कई लोग जो है फर्स्ट टाइम जब ऐसी चीज़ों के बारे में सुन रहे होते हैं तो वो बेचारे सकते में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी आपको करना है, उनकी काउंसलिंग इस चीज़ के लिए भी करनी है कि नहीं आप अपने आप को संभालिए, कोई बात नहीं आप इस तरह की सावधानी रखिए तो आपके अंदर नहीं हो सकता है या होने के चांसेस कम हो जाएंगे अगर आप ये सावधानी लेते हैं, ये ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये सब कुछ आपको बताना है। डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प करिए, ऐसा नहीं कि बस आपने अपना काम था बताने का बताया और छोड़ दिया उनके ऊपर कि लो अब आप जानो आपका काम जाने हमें मतलब नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए, आप उनको अच्छे से समझाइए, प्यार से समझाइए आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, या आपने कितने केसेस ऐसे देखे हैं जिस चीज़ के जिसके पॉजिटिव क्या क्या रिज़ल्ट निकले, नेगेटिव क्या क्या रिज़ल्ट निकले, वो सब समझाइए ताकि वो डिसीज़न अच्छे से ले सके, उसमें हेल्प आप करिए। ऑन गोइंग क्लाइंट सपोर्ट, अपने क्लाइंट को आप सपोर्ट प्रोवाइड करिए। अब जेनेटिक काउंसलिंग के स्टेप, सबसे पहले आपको डायग्नोस करना है, फिर प्रोग्नोस करना है, फिर ट्रीटमेंट देना है।
अब जेनेटिक काउंसलर कौन कौन हो सकते हैं? तो भाई ऐसा नहीं है कि अभी आप सेकंड ईयर में और आप कहें अब मैम हम पढ़ चुके, हमें भी ज्ञान आ गया है, ज्ञान हो गया है, नॉलेज हो गई, हम भी समझाने बैठ जाएं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। केवल पोस्ट ग्रेजुएट्स, हेल्थ प्रोफेशनल जिन्होंने जेनेटिक काउंसलिंग में ग्रेजुएशन करी है, डिप्लोमा लिया है, ग्रेजुएट डिप्लोमा या मास्टर्स करी है, केवल वही समझा सकते हैं। जिनको मेडिकल जेनेटिक्स और काउंसलिंग के एरिया का एक्सपीरियंस है वो समझा सकते हैं, जो कि पहचान सकते हैं कि कौन सी फैमिली रिस्क में है, प्रॉब्लम जो फैमिली में है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं डिसऑर्डर के बारे में, इनहेरिटेंस पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं, रिकरेंस के रिस्क को एनालाइज कर सकते हैं, रिव्यू उनके पास अवेलेबल हो, ऑप्शंस हो फैमिली के साथ में, तो वही लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। या सर्व्स एज एजुकेटर्स एंड रिसोर्स पीपल, जो एजुकेटर का काम कर सकें, रिसोर्स पीपल का काम कर सकें दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए जो जनरल पब्लिक में हैं, या जनरल पब्लिक के लिए जिनको भेजा जा सकता है उनके साथ आप उनको भी समझाने का काम कर सकते हो। डायरेक्ट पेशेंट को नहीं समझा रहे हो तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको समझाने का अगर आप काम कर सकते हो तो भी आप जेनेटिक काउंसलर बन सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटीज़ में आपको वर्क करना होता है, टीम होती है इसमें जिसमें फिजिशियन होगा, नर्स होगा, सोशल वर्कर होगा, जो कि स्पेशल ट्रेनिंग उनको जेनेटिक काउंसलिंग की दी जाती है, जो कि मैनी एंगेज देमसेल्व्स इन रिसर्च एक्टिविटीज़, जो कि अपने आप को खुद को रिसर्च एक्टिविटीज़ में एंगेज रखते हैं, मेडिकल जेनेटिक्स फील्ड से रिलेटेड या जेनेटिक काउंसलिंग से रिलेटेड फील्ड में अपने आप को एंगेज रखते हैं। अब जेनेटिक काउंसलिंग का क्या रोल होता है भाई? तो जेनेटिक काउंसलर्स जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये इनकी काउंसलिंग है, स्किल्स है जिसके अंदर वो, उनमें ऐसी एबिलिटी होती है इंक्लूडिंग देयर एबिलिटी टू एम्पैथिकली कनेक्ट विद देयर पेशेंट्स दैट लीड्स टू डिमांड्स ऑफ फॉर देयर स्किल्स, जो अपने आप को अपने पेशेंट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं उन पेशेंट्स के साथ में जिनको इस तरह के स्किल की आवश्यकता है और जो इस तरह के वो चाहते हैं कि भाई हमारे कोई अच्छे समझाए, तो जिनमें ऐसी स्किल्स है तो उन लोगों की हमेशा डिमांड रहेगी और वो इस जेनेटिक काउंसलिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, एक जेनेटिक काउंसलर जो है उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ्स होती हैं कि वो अपने क्लाइंट्स को बेस्ट इंटरेस्ट की चीज़ें बता सके, उनकी प्रायोरिटी उनको बता सके, कीनली उनको अटेंड कर सके, कॉम्प्लेक्स प्रोफेशनल और एथिकल चैलेंजेस के इस बारे में उनको समझा सके, ये सब चीज़ें उनमें होनी चाहिए। जेनेटिक काउंसलर जो है नॉन डायरेक्टली काउंसलिंग का यूज़ करते हैं, नॉन डायरेक्टली काउंसलिंग मेथड का, ताकि वो अच्छी बेस्ट सर्विस दे सके उनको जिनको इसकी आवश्यकता है। वो म्यूचुअल रिलेशनशिप भी बनाते हैं अपने क्लाइंट के साथ, क्योंकि अगर आप अच्छा रिलेशन नहीं बना सकते हैं तो आप कभी भी अपने क्लाइंट को अच्छे से इन बीमारी के बारे में नहीं समझा पाओगे, ना वो आपसे सुनना पसंद करेंगे, ना समझना पसंद करेंगे, और ना आप अपना अच्छा जॉब कर सकते हैं। तो आपको अच्छा रिलेशनशिप भी जो है वो मेंटेन करना आना चाहिए है। वो अपने क्लाइंट्स को खुद भी समझते हों, उनको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से बाहर निकाल सकें, सेंस ऑफ कंट्रोल के लिए प्रमोट कर सकें कि भाई अपने आप को कंट्रोल करिए, भावुक मत होइए, भावनाओं में मत बहिए, और सॉल्यूशन को फाइंड करने में भी, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने में भी उनको हेल्प करें। ऐसे होने चाहिए जेनेटिक काउंसलर। वो अपने क्लाइंट की स्ट्रेंथ को भी समझें, उनकी वैल्यूज़ को समझें, उनकी नीड्स आवश्यकताओं के बारे में भी आपको पहचानना आना चाहिए है। इंडिविजुअलाइजेशन उनको आप प्रोवाइड करिए, फ्लेक्सिबल काउंसलिंग स्टाइल उनको दीजिए जो उनके क्लाइंट्स की नीड को सूट करती हो, एजेंडा बनाइए, सेल्फ अवेयरनेस उनमें डेवलप करिए, और खुद की इनर लाइफ को समझने में, अटेंड करने में, और आप भी अपनी इनर लाइफ को, उनकी भी इनर लाइफ को समझने में उनको हेल्प करिए, आप अपनी भी इनर लाइफ को समझिए, ये भी आप में वैल्यूज़ होनी चाहिए। काउंसलर अच्छी एडवाइस दे सके, सही डिसीजन ले सके, कोरेसिव, परसुएसिव, इन्फ्लुएंसिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे गुण होने चाहिए कि वो उनको समझा सके, बता सके, इन्फ्लुएंस कर सके, उनको प्रभावित कर सके, डायरेक्शन दे सके, चीज़ों को कंट्रोल कर सके, ये सब काउंसलर के अंदर होनी चाहिए खूबियाँ। काउंसलर अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, वो इनेबल हो, वो एक्सप्लोर कर सके अपनी चीज़ों को, वो लोगों को एनकरेज कर सके, इन्फॉर्म कर सके, चॉइसेस दे सके, डिस्कस कर सके, ऑटोनॉमी को प्रमोट कर सके, वो नॉन जजमेंटल होने चाहिए,
क्लाइंट के लिए रेस्पेक्टफुल होने चाहिए भाई, आप अपना क्लाइंट का सम्मान करें। ऐसे नहीं कि अरे भाई ये कि आप तो रोना शुरू हो गए या आप तो चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, इस बात के लिए आप उन पर चढ़ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। वो किसी तरह का डिसीज़न जो लेना चाह रहे हैं, हो सकता है उनका वो डिसीज़न गलत हो, पर आप ये नहीं कहेंगे उनको कि आपका डिसीज़न गलत है, क्योंकि हो सकता है उन कपल्स के सामने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि उनको वो डिसीज़न लेना पड़ रहा है जो वो नहीं लेना चाह रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप उनके डिसीज़न का रेस्पेक्ट करें। तो ये सब खूबियाँ आपके अंदर होनी चाहिए। अब नर्स कैसे जेनेटिक काउंसलर हो सकते हैं, तो आपका फॉलोअप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इन्फॉर्मेशन को क्लैरिफाई करने में। भाई डॉक्टर ने इन्फॉर्मेशन दे दी, अब आप उसको अच्छे से क्लैरिफाई करिए, कंटिन्यूस सपोर्ट प्रोवाइड करिए, एप्रोप्रिएट प्रोसेस उनको समझाइए, कैसे डिसऑर्डर के ट्रांसमिट होने के रिस्क को वो कम कर सकें या आप बताइए। जेनेटिक काउंसलर के साथ में आप फैमिली मेम्बर्स के साथ, काउंसलर के साथ में मिलकर फैमिली मेम्बर्स के साथ आप डिस्कस करिए, उनको अल्टरनेटिव अरेंजमेंट दीजिए, एडॉप्शन के बारे में बताइए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसी टेक्निक हो सकती है कि भाई हो सकता है वो जेनेटिक उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो खुद से ठीक नहीं हो सकती, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक अच्छा ऑप्शन है, ये उनको बताइए। सरोगेसी के बारे में बताइए कि भाई प्रेगनेंसी सरोगेट भी आप कर सकते हो। प्रीनेटल डायग्नोसिस जो मैंने आपको पढ़ा दिया वो बताइए। सिलेक्टिव अबॉर्शन के उनके पास चॉइसेस है ये बताइए। प्रीनेटल ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं वो भाई, प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान जो ट्रीटमेंट है, क्योरेटिव क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, जीन थेरेपी क्या होती है, कैसे करी जाती है, क्यों हेल्पफुल है, कैसे हेल्पफुल है वो बताइए। फीटल सर्जरी कोई की जा सकती है तो आप उनको समझाइए। आप जेनेटिक काउंसलिंग के लिए प्री रिक्वेसाइट्स क्या चीज़ें हैं, तो पहले आपको उस पर्सन की फैमिली की हिस्ट्री पूरी डिटेल में पता होनी चाहिए, एक्यूरेट डायग्नोज आपको करके रखना है, मेडिकल आस्पेक्ट उस डिसऑर्डर के जो है उसको समझना है कि भाई क्या उसका कारण क्या था उस डिसऑर्डर का, नेचुरल हिस्ट्री क्या है, कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हो, कैसे प्रोग्नोस कर सकते हो, क्या उसके बर्डन है, ये आपको पता होने चाहिए। इनहेरिटेंस पैटर्न को समझिए आप, रिकरेंस रिस्क को समझिए, साइको सोशल इम्पैक्ट देखिए इन्फॉर्मेशन के, क्या साइको सोशल इम्पैक्ट हो सकते हैं उसको समझिए। काउंसलिंग टेक्निक्स में ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ये सब आपका होना चाहिए। हेल्थ के कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं, डिजीज़ को समझना है, एप्रोप्रिएट कल्चर क्या है हेल्थ केयर का, एप्रोप्रिएट कल्चर में हेल्थ केयर कैसे देनी है वो आपको समझना है। अब कुछ एथिक्स भी हैं भाई जेनेटिक काउंसलिंग में, कि आप हमेशा इंडिविजुअल के राइट्स की रेस्पेक्ट करिए कि भाई उनके पास राइट है अपना डिसीजन लेने का, तो उसकी रेस्पेक्ट आपको करनी है। आप ऐसा नहीं है कि अगर आपने जो सजेशन दिया था सामने वाले नहीं माना तो आप नाराज़ होकर के बैठ गए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नॉन डायरेक्टिव अप्रोच आपको करनी चाहिए, ये नहीं कि आप उसको डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो, नहीं भाई, आप सिर्फ चॉइस देंगे कि आप ये कर सकते हैं, वो नहीं करना चाहें तो आप उनको फोर्स कभी नहीं करेंगे। हर इंडिविजुअल की, हर फैमिली की आपकी आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी है, ये नहीं है कि आपने एक पेशेंट की प्रॉब्लम सुनी और दूसरे को वो बता दो या बाकी लोगों को बता दो देखो इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं आपको करना है। काउंसलर और उसके क्लाइंट के साथ में कम्युनिकेशन को मेंटेन करना है। इन शॉर्ट जेनेटिक काउंसलिंग में हम डिटरमाइन करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि आपको डायग्नोस करना है, डायग्नोसिस आनी चाहिए, उसकी इटियोलॉजी पता होनी चाहिए, इनहेरिटेंस पैटर्न पता होना चाहिए, प्रोग्नोस करना आना चाहिए, नेचुरल हिस्ट्री पेशेंट की पता करिए, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और रिकरेंस का रिस्क क्या है ये आप डिटरमाइन करिए। इन फैक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है टू दोज रिक्वेस्टिंग इन अ सेंसिटिव कल्चरली अप्रोप्रिएट एंड अंडरस्टैंडेबल वे, कि क्या सेंसिटिविटी है, क्या कल्चरली उनके लिए अप्रोप्रिएट है, कैसे आप उनको समझ सकते हैं, डिसीज़न में आप उनको सपोर्ट प्रोवाइड करिए, उनके डिसीज़न को सपोर्ट दीजिए, कपल को आप डिसीजन लेने में सपोर्ट करिए, जेनेटिक काउंसलिंग करिए जो नॉन डायरेक्टिव टाइप की हो। मैं बार बार कह रही हूँ नॉन डायरेक्टिव होनी चाहिए, आपको किसी तरह का डायरेक्शन उनको नहीं देना है, सब समझाना है। अब जेनेटिक स्क्रीनिंग क्या होती है भाई, ये एक सर्च है इन अपेरेंटली नॉर्मल पॉपुलेशन फॉर इंडिविजुअल विद एबनॉर्मल जीन्स, कि आपको नॉर्मल पॉपुलेशन में सर्च करना है ऐसे लोगों को जिनके अंदर कोई एबनॉर्मल जीन्स हो, जिससे कि उनमें ये रिस्क है कि उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर कोई डिजीज़ जा सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, उनके ऑफस्प्रिंग उस डिजीज़ से अफेक्ट हो सकते हैं, तो वो सर्च करना ही जेनेटिक स्क्रीनिंग कहलाती है। तो नॉर्मल पॉपुलेशन में हाई रिस्क के पेशेंट्स को सर्च करना ही जेनेटिक स्क्रीनिंग है। कितने तरह की हो सकती है, तो इसमें आपको कैरियर को भी आइडेंटिफाई करना है,
क्योंकि कैरियर को तो करना है भाई, जो अफेक्टेड लोग हैं वो तो मैं दिख ही रहा है, वो तो आपको पता है। आइडेंटिफाई किसको करना है, कैरियर्स को आइडेंटिफाई करना है, प्रीनेटल डायग्नोसिस करना है, न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग करनी है, फॉरेंसिक स्क्रीनिंग करनी है जिसमें पैटर्निटी टेस्ट आपको करना होता है। अब कॉन्क्लूजन, बहुत सारी दुनिया में ऐसी डिजीज़ हैं जिनके जेनेटिक रूट होते हैं। मैं तो कहती हूँ अधिकतर डिजीज़ ऐसी होती है जिनके जेनेटिक रूट होती हैं, उनके अभी तक रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई इसलिए हम कह नहीं पाते कि ये भी इनके भी जेनेटिक रूट्स हैं। जेनेटिक स्क्रीनिंग एक एसेंशियल इशू है जो लाइफ के बहुत स्टेजेस में किया जाता है। जेनेटिक काउंसलिंग का एम है कि लोगों के गैप में ब्रिज बनाना, जेनेटिक फील्ड की कॉम्प्लेक्सिटी और उसके लाइफ के बारे में बताने के लिए, गैप के को दूर करने के लिए उसके बीच में ब्रिज बताना। बस इसके साथ ये जेनेटिक काउंसलिंग आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।